के साथ हरा मसाला फिश भी बना रहे हैं। फिश की तरफ ये बड़े मज़ेदार सी मछली बन रही है जिसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ। और इसको हम क्या करेंगे, चॉपर में डालेंगे। चॉपर में डाल के हम सारे मसाले को मोटा मोटा सा चॉप कर लेंगे, पेस्ट नहीं बनाना, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें मछली आधा किलो चाहिए, फिश मसाला एक खाने का चम्मच चाहिए, जीरा एक चाय का चम्मच, अदरक लहसुन चाहिए इसके अंदर, लहसुन के जवे 10 चाहिए, अजवाइन आधी चाय का चम्मच, तकरीबन मुझे 10 छोटी मिर्चें चाहिए, हरा धनिया 4 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसा नारियल 2 खाने के चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, लींबू का रस तकरीबन 4 खाने के चम्मच, मेथी 2 खाने के चम्मच है, हल्दी 1 चाय का चम्मच, हिंग 1/4 चाय का चम्मच, शाताज कुकिंग ऑयल हस्ब जरूर फ्राई करने के लिए 1 अंडा और पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, ठीक है। तो हमने डालनी है सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 4 खाने के चम्मच ये मेथी, फ्रेश ले लें या ड्राई वाली ले लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेस्ट में, दोनों ले सकते हैं, ठीक है। चले जी, हमारे साथ एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माफी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? जी अभी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र खैरियत से। क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? आप ही मैं आपका शो देखती हूँ, बहुत अच्छा आप खाना पकाते हैं। बहुत शुक्रिया। और मुझे बताओ क्या फरमाइश करोगी, क्या पूछोगी? टीवी बंद कर दें प्लीज, टीवी बंद कर दें, टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। हेलो हेलो। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। यहाँ पर चलते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, इसमें 4 खाने के चम्मच कसूरी मेथी, इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर ज़ीरा, ये देख लीजिएगा, ज़ीरा चला जाएगा। ज़ीरे के साथ इसमें जाएगी हल्दी, हल्दी के साथ इसमें जाएगा पिसा धनिया, साथ में नमक। अच्छा, नमक कम डालूंगी, पहले मैंने मछली पे थोड़ा सा लगा दिया था, थोड़ा सा नमक, ठीक है। इसके बाद नारियल पाउडर या बारीक कटा हुआ नारियल हमने वैसे ही पीसना है, अजवाइन ये बहुत ज़रूरी है, इसके बाद मछली में टेस्ट भी नहीं आता और स्मेल भी आती है। साथ में हम इसमें डालेंगे यहाँ पर, ये मेरे पास है पिसा गरम मसाला, लहसुन के जवे, ठीक है। ये है फिश मसाला, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ना भी डालें, ये मैं वहाँ रख देती हूँ ताकि आराम से आप देख सको। अच्छा जी, अब मुझे चाहिए हरी मिर्चें, ये मिर्चें हम ले लेंगे, ये वाली, ठीक है, छोटी नहीं मुझे मिली लेकिन ये ज़रा सी बड़ी है, ज़्यादा वो बड़ी वाली मिर्च भी नहीं है, ये मिर्चें, ठीक है, ये हम इस पर डाल देते हैं इसकी डंडी तोड़ के। हमारे साथ एक कॉलर हैं, लिजबा नजमा, अस्सलाम वालेकुम, कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। और आज मुझे फोन इसलिए किया है, मैंने आपको शुक्रिया अदा करना था, कल आपने आलू मोगरे की रेसिपी बताई। अच्छा, आपकी फरमाइश थी जी, आपकी भी फरमाइश थी जी, मैंने तो फरमाइश की थी उस दिन। अच्छा अच्छा, तो चले अच्छा, आपकी कॉल भी आ जाएगी। और ट्राई किए? शुक्रिया बहुत बहुत आपका। और मैंने नूडल राइस की आपने जो रेसिपी बताई थी वो भी मैंने ट्राई की, बहुत अच्छी बनी थी ना। चले वेरी गुड। हाँ, और आप बताओ आप क्या फरमाइश है? बस आपकी और सारी, बस वो जो मैंने आपको बोला था ना सिंगापुरियन राइस, जी जी, हो सके तो मतलब वो आप लाइव बता दी बेशक। अच्छा चले, असल में काफी लेंथी रेसिपी है, ठीक है, उसके अंदर राइस बनते हैं, नूडल्स बनती है, फिर चिकन का होता है। आपने एक दफा बनाए थे वो बिल्कुल इजी करके, थोड़ा मतलब बनाए थे लेकिन वो रेसिपी मुझसे ना मिस हो गई। आप ऐसा करो, तड़का के पेज पे जाके आप सर्च करो, वो आपको वहाँ पे मिलेगी, तड़का का पेज है, आप देखो वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। अब वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ पे से मिल जाएगी तड़का के पेज पे, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा, मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया, ठीक है, लेमन जूस डाल दिया। अब सारे मसाले एक दफ़ा उसका रिकैप करूँगी। और ये मेरे पास है हींग है, ये ज़रा सी मैं ये भी डालूँगी, सर्दी में इसमें ज़रा इस्तेमाल इसका होता है हींग का, बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी है ये, ठीक है। ये हींग, अंडा भी मैंने नहीं डाला, मैं बाद में डालूँगी। अच्छा, अब हम इसको चॉपर को चलाएंगे और एक दफ़ा इसका रिकैप करूँगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैंने शामिल की है, ताकि आपको भी इसका एक आइडिया हो जाए। और वैसे तो आपको मैं बता दूँ कि इसका पेस्ट ना बनाएगा, चॉपर में ही डालेगा,
अच्छा बेहतरीन तरीका है अगर आपके पास वो आम दस्ता है उसके अंदर कूटें, क्या इसका जायका आता है? अगर आपके पास वो है, वो फैसिलिटी है, सिल है, तो उस पर पीस लें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका मसाला है, ये देखें। अब एक अदद अंडा फेंट के जब डालेंगे ना तो ये पूरा मसाला इस पे कोट हो जाएगा, ठीक है। अंडा नहीं तो आप थोड़ा सा बेसन ले लीजिएगा, 2 टेबलस्पून वो बेसन भी आप डाल सकते हैं। इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, थोड़ी देर इसको रेस्ट देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई, ठीक है। शाताज कुकिंग ऑयल है हमारे पास, उससे हम करेंगे फ्राई। पहले आपने इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स, ये बहुत मज़े की मछली बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखें कितने मज़े का इसका मसाला बना है, बस ये रात भर लगा के रख ले मसाला, फिर आप इसको फ्राई करें, मज़ा आ जाएगा आपको मछली खाने का। ये देखें, चलिए ये मसाला हमने इसके ऊपर लगा दिया, अंडे से इसकी बड़ी अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी और इसके ऊपर मसाला जो है इसका उतरेगा भी नहीं, हरी मिर्चों के साथ इन सब चीज़ों के साथ, ठीक है। ये देखें 1/2 किलो मछली, छोटी वाली हरी मिर्चें, साथ में आपने इसमें ज़ीरा लेना है, नमक लेना है, हल्दी लेनी है, अदरक लहसुन लेना है, लेमन जूस लेना है और इसके साथ आपने इसके अंदर डाल देना है थोड़ी सी हींग। चलिए ये मसाला लग गया, एक ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने फिश जो है ना उसको करना है फ्राई। ये तो ऐसे ही कटिंग कर रही हूँ, तो मेरे पास है यहाँ पर शाताज कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल, ठीक है जी। ये हम इसमें डालेंगे और इसके अंदर फ्राई करेंगे मछली को। मछली को आपके सामने मैंने सारा मसाला लगा दिया। अच्छा, मेरी रेसिपी में लिखा है आप इसको फ्राई पैन पे या तवे पे सर्व करें तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, तो मैं भी कुछ सोच ही रही हूँ कि ऐसे ही करें। और यहाँ पर इतने मज़ेदार ये सालन तैयार हुआ ना, अगर आप इसको ट्राई करेंगे चिकन और अंडे का सालन, आप खुद ही कहेंगे, सुबह नाश्ते में आप इसको बना कर खा लें, नान कुलचे के साथ बहुत मज़े का लगेगा। तो ये आपने ज़रूर ट्राई करना है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए कि मैंने 2 जगह इसको सर्व किया है कि ताकि आपको पता चल जाएगा कि इसका कलर एक ट्रांसपेरेंट में भी है और एक इसमें भी है, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ये मछली को आपके सामने मैंने मसाला लगाया, ये देख लीजिएगा बहुत अच्छा सा इसका मसाला कोट हो गया। ये देखें, जो लोग कहते हैं ना कि हम मछली को जब फ्राई करते हैं मसाला उतर जाता है, अच्छे से कोटिंग नहीं होती, तो मैंने इसके अंदर 1 अदद अंडा शामिल करे था, अंडा या फिर आप इसके ऊपर थोड़ा सा बेसन चढ़े, ठीक है जी। चले जी, माजिद अटक से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदांती? ठीक, खैरियत से, आप बताओ क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और यहाँ पर तो आज बारिश बहुत ज़ोरों शोर से चल रही है, एंजॉय कर रहे हैं। कल वाली रेसिपी आपने जो मुझे बताई थी, अभी मैंने कल तो नहीं बनाई लेकिन अभी बनाऊंगी, आलू के पराठे। जी, अभी बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं साथ, तो फिर अभी साथ साथ वो बनाऊंगा, एंजॉय कर। अच्छा अच्छा, चले करेगा, एंजॉय कीजिएगा पराठों को। और बाकी मैंने आपकी रेसिपी से कढ़ाई गोश्त हम लोगों ने आज बनाया था, बहुत जबरदस्त बना। चले वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है, आप खुद ही तो बनाते हो ना सारी चीजें? जी, मतलब बहुत आसान सी रेसिपी थी और तकरीबन 1/2 आवर में बन गई थी। अरे वाह, वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब मछली फ्राई करना, बड़े मजे की मछली का मसाला बना। जी, और आप जैसे कह रही हैं कि वीक करें, तो आपको एक वीक करना चाहिए, एक फरमाइशी वीक जिसमें आप सारे आप फरमाइशी रेसिपी बनाएंगे। वही मैं सोच रही, मैंने कहा इतने लोगों की इतनी फरमाइशें आ रही थी, तो मैं सोच रही हूँ एक पूरा वीक कर लेना, तो एक अच्छा सा हो जाएगा, पूरा वीक बन जाएगा फरमाइशी वीक, क्या ख्याल है? है ना। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि मैं फ्राई पैन में मछली को सर्व करूँ, और मेरी रेसिपी में भी लिखा है या तवे पे सर्व करें तो बड़ा मज़े की लगेगी, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हमारी फ़िश जो है फ्राई हो रही है शाताज कुकिंग ऑयल के अंदर, और इसको हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। डीप फ्राई करते हैं तो मसाला सारा उतर जाता है, ये भी एक नोट कर लीजिएगा, एक टिप को, ठीक है जी।